हर जुर्म को मुंह तोड़ जवाब, हर गुनाह का पर्दाफाश और हर गुनाहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाने के ठोस इरादे के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल लेकर हाजिर हूं मैं प्रभात पांडे। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे अपराध जगत की बड़ी खबरें, तो आइए शुरू करते हैं उन खबरों का सफर। इराक और सीरिया के एक हिस्से में अपना साम्राज्य खड़ा कर चुके आईएसआईएस के आतंकी मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। वो बच्चों पर गोली के साथ बम भी बरसा रहे हैं। बुधवार को सीरिया में आतंकियों ने एक स्कूल में ब्लास्ट कर कई बच्चों को मौत की नींद सुला दी। देखिए सीरिया में हुए ब्लास्ट का लाइव वीडियो। सड़क पर चीखते लोग, जान बचाकर भागते इंसान, कदम कदम पर पीछी मौत। जान बचाने की जद्दोजहद में छोटे छोटे मासूम, दीवारों पर खून के छींटे, धुएं के आगोश में शहर, जलती कारें। जान बचाती जिंदगी, ब्लास्ट लाइन। यह सीरिया की तस्वीर है जो किसी को भी दहला देगी। इन लोगों के खौफ को महसूस कीजिए। बुधवार को सीरिया के एक स्कूल की इस जगह पर धमाका हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। तस्वीरों में देखिए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। दहशत के इस माहौल में चारों तरफ सिर्फ लोगों की चीख ही सुनाई पड़ रही है। स्कूल के बाहर खड़े इन छोटे छोटे मासूमों को देखिए, कैसे अपने मां बाप को इन बच्चों ने पकड़ा हुआ है। मां ने भी खौफजदा मासूमों को घेर लिया। छोटे छोटे बच्चे आतंक की इस दहशत से डरकर रो रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़कर जान बचाते लोग सड़कों पर दौड़ते भागते दिख रहे हैं। आगे आने वाली तस्वीर तो और भी दर्दनाक है। ये हम आपको दिखा नहीं सकते, पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर मौत बरस रही है। छोटे छोटे घायल बच्चों को हाथ में उठाकर लोग भाग रहे हैं। खून से सने इन बच्चों को लेकर लोग अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं। कानों में सिर्फ धमाकों में घायल लोगों की चीखें। सड़क पर सामान भी बिखरा पड़ा दिखाई दिया, साथ ही शत विशत लोगों के शव। सड़क पर यह कार बुरी तरह से जली और इसके पीछे से लोग घायलों को उठाकर ले जा रहे हैं। अचानक एक और धमाका हुआ। इस धमाके ने पहले ब्लास्ट के बाद कम हो रहे खौफ को दोबारा बढ़ा दिया और वापस से लोग जान बचाने की जद्दोजहद में जुट गए। इस वक्त वहां के दहशत भरे माहौल को महसूस किया ये युवक, जिस तबाही के मंजर को देखकर या अल्लाह पुकारा। लेकिन शायद अल्लाह भी अपने बंदों को इन हालात में देखकर आंखें बंद कर चुका है। जिधर भी नजर जा रही है उधर सिर्फ और सिर्फ आग और पूरा इलाका धुएं की कालिख से रंगा हुआ है। बदहवास और बेसुध खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी जगह पर अब जम चुके हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जाएं क्या, क्योंकि धमाकों की शक्ल में मौत उनके आसपास टहल रही थी।
और अंत में धीरे धीरे धमाकों की गूंज, मौत और तबाही के निशान लिए शहर अब पीछे रह गया। इस डबल धमाके में करीब 39 जने, जिनमें से ज्यादातर छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। ये आईएसआईएस के आतंक की कोई पहली वारदात नहीं थी, लेकिन मासूमों की लाशों से गुजरकर ये दहशतगर्द आखिर कौन से जिहाद और धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका जवाब शायद इनके पास। ब्यूरो रिपोर्ट। स्कूलों में ब्लास्ट कर बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाले आईएसआईएस के आतंकी मासूम बच्चों पर AK-47 जैसे हथियारों से गोलियां भी बरसा रहे हैं। वो एक साथ कई बच्चों को इकट्ठा कर उन पर गोलियां बरसाते हैं। अब ये देखिए कि कैसे इराक में बच्चों पर गोलियां बरसा रहे हैं आईएसआईएस के आतंकी। चंद महीने के इस बच्चे को क्या मालूम कि अगले पल इसके साथ क्या होने वाला है। इसकी आंखों की मासूमियत आप और हम तो देख सकते हैं, लेकिन बगदादी के आतंकवादियों को इस पर तरस नहीं आया और अगले ही पल ये इराक, जहां इन दिनों जिंदगी का पता नहीं लेकिन मौत की गारंटी जरूर है। आतंक और मजहब के नाम पर खून का जो खेल आईएसआईएस ने इराक में खेल रखा है, उसके शिकार अब मासूम बच्चे हो रहे हैं। इंसानियत के इन दुश्मनों को मासूमियत की परिभाषा भी नहीं मालूम। शायद यही वजह है कि आईएसआईएस के आतंकवादी उन बच्चों को गोली मार रहे हैं जिन्हें ठीक से बोलना तक नहीं आता। आतंकवादियों के निशाने पर खास तौर पर यजीदी समुदाय के लोग, जो बगदादी के आतंक के डर से अपना शहर छोड़कर सिंजर की पहाड़ियों में जा छिपे हैं। उनके पास न तो खाने को कुछ है और न ही पीने को। कई मासूमों की जान तो सिर्फ भूख और प्यास की वजह से चली गई, और जो बाकी बचे उन पर आतंकवादियों की परछाई मौत का साया बनकर उनका पीछा कर रही है। इन मासूम बच्चों को देखिए कैसे आईएसआईएस के आतंकवादियों ने इनके हाथ पीछे से बांध रखे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद जो कुछ हुआ वो हम आपको नहीं दिखा सकते। एक के बाद एक गोलियां चलती हैं और तेज आवाज के साथ सन्नाटा छा जाता है। इंसानियत के इस दुश्मन को देखिए कैसे इसने दो बच्चों को बांध रखा। इनके साथ भी वही हुआ जो इलाके के दूसरे मासूम बच्चों के साथ हो रहा है। जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत कम होता है, लेकिन जरा सोचिए उन बच्चों का क्या जिन्हें इन आतंकवादियों ने जिंदा दफन कर दिया। दिल दहला देने वाला एक और सच सुनिए। यजीदी समुदाय के लोग, जो आतंकवादियों के डर से पहाड़ियों में छिपे हैं, उनमें से 70% से ज्यादा की जानें जा चुकी है। सिंजर की पहाड़ियों में सांस तक लेना मुश्किल हो गया है। आतंकवादियों की गोलियों के शिकार लोगों की लाशें खुले में पड़ी है और जानवर मौत के बाद भी उन्हें मौत दे रहे हैं। आतंकवादियों ने धमकी दी है कि अगर यजीदी समुदाय के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया तो बगदादी के आतंकी एक एक करके उनका नामो निशान मिटा देंगे। तस्वीरें और भी हैं, बेहद डरावनी, बेहद परेशान करने वाली, क्योंकि अमेरिका की कार्रवाई का आतंकवादियों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। इराक में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बच्चों का नरसंहार हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी मीडिया। यजीदी समुदाय के बच्चों पर बम और गोली बरसाने वाले आतंकी यजीदी समुदाय की महिलाओं के साथ जो कर रहे हैं उसे जानकर आप दहल उठेंगे। छोटी छोटी बच्चियों के साथ शादीशुदा महिलाओं की जिंदगी भी यहां नर्क से बदतर हो चुकी है। पहले बच्चों का नरसंहार, अब महिलाओं पर अत्याचार। इराक में भूखे प्यासे बच्चों को खत्म करने के बाद आईएसआईएस के आतंकवादियों की गंदी नजरों ने इराक की बेबस महिलाओं को भी नहीं छोड़ा है।
बगदादी के आतंकवादियों ने अब यजीदी समुदाय की महिलाओं की आबरू पर बुरी नजर डाली है। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने गलत इरादे से यजीदी समुदाय की सैकड़ों महिलाओं को बंधक बना लिया है। इराकी मानवाधिकार मंत्रालय के मुताबिक आतंकवादियों ने 35 साल से कम उम्र की सैकड़ों यजीदी महिलाओं को इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल के स्कूलों में बंधक बनाकर रखा है। कुछ दिनों पहले इराक की एक यजीदी सांसद ने भी ये बात कही थी कि यजीदी समुदाय की महिलाओं के साथ आतंकवादी अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। الآن هناك حملة إبادة جماعية على المكون اليزيدي رجاء السيد الرئيس أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية أنقذونا 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق 50 شيخ مات من الوضع المتردي نساؤنا تسبى كجرايا جاريات وتباع في سوق الرق أريد شكرا جزيلا شكرا جناب النائب السيد عباس ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन महिलाओं को आईएसआईएस के आतंकवादियों को बेचा जा रहा है ताकि आतंकवादियों के साथ जबरदस्ती उनकी शादी कराई जा सके। जाहिर है इराक में जो कुछ भी हो रहा है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। आतंकवादी इन महिलाओं से गुलाम जैसा बर्ताव कर रहे हैं और उनके इरादे बेहद ही खतरनाक हैं जिसका अंत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं। वो हत्या का गुनाह कबूल रही है, कत्ल के सबूत दिखा रही है और खुद को कातिल बता रही है, लेकिन लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा और कहा जा रहा है कि वो कसल कातिल को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन आखिर क्यों वो किसी को बचाने के लिए कत्ल का इल्जाम अपने सिर पर लेगी, ये रिपोर्ट देखी। वो हत्या का गुनाह कबूल रही है, वो कत्ल के सबूत दिखा रही है, वो खुद को कातिल बता रही है, लेकिन लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं। सवाल ये है, क्या वो असल कातिलों को बचा रही है? भानु कुमारी नाम की यह युवती खुद को उस शख्स का कातिल बता रही है जिसकी लाश इसके घर से बरामद हुई। वो लाश है मसौढ़ी के हसनपुर गांव के रहने वाले 28 साल के युवक धर्मेंद्र कुमार की। बिहटा थाना इलाके के मखदुमपुर गांव की रहने वाली भानु का कहना है कि बुधवार की रात धर्मेंद्र उसके घर में घुसकर उसे जोर जबरदस्ती करने लगा, जिस पर पहले तो इसने उसे समझाने की कोशिश की मगर जब वो नहीं माना तो चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। हम चाकू लेकर सोए थे कि शायद आ जाएगा और वही बात हुआ, जो सोचे वही बात हुआ, आ गया सर। प्रभारी के पास कितने बजे आए थे? 10 बजे आए थे। 10 बजे रात में आया तो क्या की? आया तो हमें पकड़ लिया था, ऐसे कर गेट खुला था तुम्हारा, ऐसा ही लॉक नहीं था पर ऐसा ही भिड़काया हुआ था, तो पकड़ के हमें सोचा अथी करने के लिए उसका कलर पकड़ के हम पलट के और उसको मार दिए सर। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? ऐसा सिर्फ हम ही थे। लेकिन शव को देखने के बाद किसी को इसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि शव को देखने से लगता है कि धर्मेंद्र की हत्या से पहले उसकी बुरी तरह पिटाई की गई और फिर चाकू से घोंपा गया। इस बारे में कहा यह जा रहा है कि धर्मेंद्र भानु का प्रेमी था और जब वो बुधवार की रात उसे मिलने उसके घर पहुंचा तो उसके पिता, चाचा और भाइयों ने उसकी हत्या कर दी, मगर भानु के साथ उसके दादा भी इससे इनकार कर रहे हैं।
पिताजी भी होंगे, भाई होगा तुम्हारा, है पर वो है, लेकिन दूसरा जब घर है तो वो सब बहुत दूर में, हल्का बहुत दूर में वो घर है, दूसरा नया घर बना है, तब मम्मी पापा जीजा जीजी वहीं पर थे। यही लड़की खाली मारी है उसको? हाँ, भानु के मुताबिक कुछ महीने पहले उसे मोबाइल से धर्मेंद्र के नंबर पर गलती से कॉल लग गया था, जिसके बाद वो बार बार उसे फोन करके परेशान करने लगा। भानु के मुताबिक बातों बातों में उसे ये भी पता चला कि धर्मेंद्र उसकी भाभी के गांव का रहने वाला है। शादीशुदा भानु के मुताबिक धर्मेंद्र उससे प्यार करने लगा था और उसने फोन करके उसे कई बार मिलने की धमकी भी दी थी। और जब उसे ये पता चला कि बुधवार की रात अपने दादा के साथ वो घर से थोड़ी दूर बने दूसरे घर में सोने गई है, तो धर्मेंद्र वहां आ धमका और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, जिस पर इसने चाकू मारकर धर्मेंद्र की हत्या कर दी। कि बहुत तो गालियां देता था फोन कर करके, ससुराल भी रहते तो भी और मायके रहते थे तो भी, तो हम बोले कि मेरी शादी हो चुकी है, आप ऐसा मत कीजिए, फोन मत कीजिए, फिर भी नहीं मानता था सर, बिल्कुल फोन कर करके मुझे परेशान करते रहता था, बहुत परेशान करते रहता था। फिर हम बोले उससे कि ऐसा कीजिएगा तो हम पुलिस में कह देंगे, को कोई से डर नहीं है। फिर हम सोचे कि इससे कोई से डर नहीं है तो हमें इसी को कुछ करना पड़ेगा सर, तो बोला कि कहाँ सोते हैं तू बताओ, हम बता दिए कि हम दादा का लेकर उधर सोते हैं, दादा की तबीयत खराब था, दादा न उठ सकते हैं न बैठ सकते हैं। लेकिन पुलिस को भी भानु की बात पर यकीन नहीं हो रहा है, लिहाजा उसने इसके साथ साथ इसके पिता और चाचा को भी हिरासत में ले रखा है और लगातार पूछताछ कर रही है। बताई कि लड़का आया था फोन पर बात किया करता था, अपना पर आया उस दिन रात में, उसके बाद लड़की बोली कि हम पर आया था छिड़काने, इज्जत लूटने का प्रयास, तो उसी में चाकू मार दिए, ऐसे जैसे बता रही है। खुद को धर्मेंद्र का कातिल बताने वाली भानु की कहानी पर किसी को इसलिए भी यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि कभी वो खुद को धर्मेंद्र से अनजान बताती है तो कभी अपनी भाभी के घर उससे मिलने की बात भी कह रही है। सवाल ये भी है कि जब उसका धर्मेंद्र से कोई रिश्ता नहीं था तो उसने उसे ये क्यों बताया था कि वो रात को किस कमरे में सोने वाली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो धर्मेंद्र की हत्या के बाद वो असल आरोपियों को बचाने के लिए, इसे इज्जत बचाने के लिए की गई हत्या बताकर बचने और सबको बचाने की कोशिश कर रही है। इश्तियाक खान, जी मीडिया, दानापुर। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है, तुरंत लौटते हैं। उस लड़के की तलाश में पुलिस कई दिनों से परेशान थी क्योंकि घर वाले लगातार बड़े बड़े अधिकारियों से अपने अगवा बेटे को बरामद करने का दबाव बना रहे थे, मगर जब वो लड़का बरामद हुआ तो घर वाले ही बन गए एक गुनाह के आरोपी, क्योंकि पता चला कि अपहरण के पीछे लड़के के दादा का हाथ था और उसमें घर के सारे लोग शामिल थे। दादा ने कराया था पोते का अपहरण, अपने बेटे के दोस्त पर कराया था झूठा मुकदमा, बूढ़े दिमाग की खौफनाक साजिश। सीतामढ़ी के बथनाहा थाने में खड़े इस लड़के का नाम है नीलमणि। नीलमणि को उसके दादा ने ही अपने खतरनाक साजिश का मोहरा बनाया था, जिसका पता तब चला जब कई दिनों तक हाथ पांव मारने के बाद पुलिस ने नीलमणि को उसके ही एक रिश्तेदार के घर से बरामद किया। असल में बथनाहा गांव के ही रहने वाले नीलमणि के घर वालों ने बथनाहा थाने में ये केस दर्ज कराया था कि रामजीत राय नाम के शख्स ने नीलमणि को अगवा कर लिया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद नीलमणि के घर वाले कई बार पुलिस थाने गए और फिर एसपी से लेकर आईजी के पास भी आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दबाव बनाने लगे। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो आरोपी रामजीत राय और नीलमणि के पिता शंभू के बीच ऐसे रिश्ते का पता चला
जिसने उसे हैरान कर दिया। केशवा रामचंद्र सिंह बथनाहा के ही रहने वाले हैं कि उनके पोता नीलमणि का अपहरण कर लिया है एक रामहित राय। इसके बाद नीलमणि की माँ और एक भाई नवनीत काफ़ी हम लोग के पास आने लगे कि भाई मेरे भाई का अपहरण या बेटा का अपहरण हो गया है और कार्रवाई कुछ नहीं पुलिस का। जबकि केस होने के बाद से पुलिस जब अनुसंधान करने लगी तो दो तीन बात आ गई। पहली बात आई कि इनके पिता जो शंभू सिंह हैं वो रामहित राय के माध्यम से टी पास कराने के नाम पर कई लोगों से पैसा ले लिया। जो रामहित राय से पैसा मांग रहा है उन लोगों का काम नहीं हुआ तो रामहित राय शंभू सिंह से मांगने लगा। परिणाम ये हुआ कि दो तीन महीने पहले शंभू सिंह पूरे परिवार लेकर के चले गए दिल्ली, जबकि वो कहीं दिल्ली में काम नहीं करते हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट उनका नहीं। जी हाँ, पुलिस को यह पता चला कि नीलमणि के पिता शंभू सिंह ने रामजीत राय से कई लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ले रखे हैं और जब रामजीत राय ने लोगों के दबाव पर उनसे पैसे की मांग शुरू की तो उन्होंने ये केस दर्ज कराया। ऐसे में पुलिस ने रामजीत राय को छोड़कर नीलमणि के रिश्तेदारों के यहाँ ही उसकी तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद नीलमणि अपनी बुआ के घर से बरामद हुआ। और फिर नीलमणि ने जो खुलासा किया उससे पुलिस सन्न रह गई। क्या हुआ था, कहाँ चल गए थे, कौन ले पहुंचा दिया था, काहे के लिए, और घूमने के लिए। इस बीच में तुम्हारे दादाजी केस भी किए थे किसी पर तुम्हारे किडनैपिंग का, तुम्हें जानकारी थी क्या इस बात की? केस की जानकारी थी, कैसे तुमको जानकारी? इस दरमियान तुमने भाई भाई से तुम्हारी भेंट हुई थी, मम्मी मम्मी से मिला भेंट हुई थी, तो कैसे मम्मी से बात होती थी, वो फोन से बात करती थी, कहा फोन नंबर याद है? तो तुम्हारा किस पर फोन आता था कि तुम बात? जी हाँ, नीलमणि के दादा रामचंद्र सिंह ने ही उसके झूठे अपहरण की स्क्रिप्ट लिखी थी, लिहाजा पुलिस अब उनके खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। संधान में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अपहरण बल्कि फर्जी अपहरण झूठा अपहरण था, जिसमें इन लोगों का मकसद ये था कि जिनसे 4 लाख से ऊपर पैसा लिए हैं उसको पचाएं, दबाव नहीं करें, और इसीलिए इनके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी कि रामहित राय की गिरफ्तारी की जाए। पुलिस जल्द से जल्द रामचंद्र सिंह सहित उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें उनके गुनाहों की सजा दिलाने का दावा कर रही है, जिन्होंने पुलिस को गुमराह करने के साथ ही एक निर्दोष को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया। त्रिपुरारी शरण, जी मीडिया, सीतामढ़ी। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात अपराध जगत की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।